रूबरू होने की चाहत नहीं, रूह में उतरने की ख्वाहिश है। रूबरू होने की चाहत नहीं, रूह में उतरने की ख्वाहिश है। आपकी जिंदगी के किसी कोने में क्या मेरे ठहरने की गुंजाइश है? जी हाँ, मैं आपके साथ आयुष आज कुछ खास लेके आया हूँ, मोहब्बत की गुंजाइश। अक्सर हम इसी असमंजस में उलझे रह जाते हैं कि क्या सचमुच हमें सामने वाले से इश्क हो गया है। खैर, मोहब्बत की गुंजाइश है या नहीं, इसे समझना वाकई बेहद मुश्किल है। न जाने कब हम सामने वाले को दिल दे बैठते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता। आज मैं जो कहानी सुनाने आया हूं वो प्रत्यूष के प्रेम की है, जो सिर्फ और सिर्फ उलझनों से घिरा हुआ था। उस दिन सुबह सुबह प्रत्यूष अपने दोस्त हर्षित से उसी के बारे में बात कर रहा था। यार पता है, वो बिल्कुल अलग है, समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे किस नजर से देखूं। इस मामले में मैं अपनी फीलिंग्स समझ ही नहीं पा रहा। क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है या फिर ये महज कुछ दिनों का अट्रैक्शन है? वो बहुत क्यूट है, जब बोलती है तो उसकी बातों में कुछ भी बनावटी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे सामने है, बिल्कुल वैसे ही अंदर भी है। हर्षित ने कहा, रुक जा बाबा, रुक जा, किसके बारे में ख्याली पुलाव पका रहा है तू? वो कौन है, कहां मिली, कैसे दिखती है, कहां रहती है बाबा? कुछ तो बताया नहीं और पूरी गाथा गाए जा रहा है। प्रत्युष बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला जाता है और कहता है, ऑफिस जा रहा हूं, रात में आऊंगा तो बताऊंगा, बात होगी, बाय। हर्षित ने चिल्लाया, अबे कमीने, नाम तो बताते जा। प्रत्युष ने कहा, दिव्यांशी। ओ, दिव्यांशी नाम है उसका। प्रत्युष को खुद ही नहीं मालूम था कि वो दिव्यांशी से प्यार करता है या नहीं। हाँ, मगर इतना जरूर था कि एक अलग सा खिंचाव था। तभी तो अपनी बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर वो उससे बेकरारी दिखाता था, बात करने के लिए और मैसेज करने के लिए। पता नहीं क्यों प्रत्युष का लगाव दिव्यांशी से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। शायद दिव्यांशी अन्य लड़कियों से थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत अलग थी। दिव्यांशी को चाय बहुत पसंद थी, जो ज्यादातर लड़कियों को होती है, मगर काफी कुछ ऐसा था जो उसे नॉर्मली लड़कियों से अलग बनाता था। उसे बॉयफ्रेंड कूल डूड या पैसे वाला या ढेर सारा कमाने वाला या फिर उसे ढेर सारा प्यार करने वाला जैसा कुछ नहीं चाहिए था। उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, सिर्फ एक, उसे भरोसा चाहिए था। इसीलिए मतलब वो सिर्फ भरोसा चाहिए था, वो डैशिंग, स्मार्ट, हैंडसम, प्यार करने वाला, पैसे वाला, इन सभी टाइप के लड़कों से उसका कोई लेना देना नहीं था। तभी तो वो किसी को भी दिल देने से डरती थी। वो अक्सर प्रत्युष से कहती थी कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती और ना ही कर पाऊंगी। प्रत्युष ये कह देता था, चल पगली, देखना एक दिन तुम मुझ पर भरोसा कर ही लोगी। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले करीब 10 सालों से दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। हाँ, मगर दोनों के बीच कभी कभार गुफ्तगु हो जाती थी। वो क्या है ना, बचपन में दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे, भूतों वाली कहानी सुनते सुनाते थे। वक्त कब बीत गया ये ना तो दिव्यांशी को पता चला और ना ही प्रत्युष को। देखते ही देखते दोनों बड़े हो गए। खैर, ये सब बातें कभी और सुनाऊंगा आपको। आपको उस दिन की बात बताता हूं जब प्रत्युष के दिल की धड़कनों में पहली बार दिव्यांशी ने घंटी बजाई। दिव्यांशी को सोशल मीडिया पर देखकर प्रत्युष ने खुद को रोक नहीं पाया फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने से। एक्चुअली क्या है कि उसके दिल में बहुत सारी बातें और यादें उफान मार रही थी, जैसे कि बचपन में बिताए हुए सारे पल। कॉन्टैक्ट तो प्रत्युष ने ही किया, बातचीत शुरू हुई और फिर
नजदीकियां बढ़ने लगी। प्रत्युष को नहीं पता था कि दिव्यांशी की जिंदगी में कोई था या है या नहीं है या नहीं था, और दिव्यांशी को भी कुछ नहीं मालूम था कि प्रत्युष की जिंदगी में कोई लड़की आई थी या फिर आकर गई थी या फिर है। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से बात करते थे। लंबे समय के बाद दोनों के मन में क्या बातें चल रही थी किसी को नहीं पता था। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते थे और यह समझ नहीं आता था कि क्यों करते थे। क्या इन दोनों के बीच मोहब्बत है या फिर कुछ और। शाम की बात है, उस दिन शाम को जब प्रत्युष ऑफिस से लौटता है और अपने दोस्त के बगल में बैठता है तो दोस्त झट से पूछता है, वही हर्षित। हर्षित पूछता है, यार दिव्यांशी के बारे में चर्चा कर रहे थे सुबह, कुछ नाम बता के भाग गए। अरे उसके बारे में कुछ बताओ ना। चलिए, प्रत्युष के दिल में तो बहुत सारी बातें थी। उसने तीन पंक्तियों अक्सर आपने दो और चार पंक्तियां सुनी होंगी, उसने सिर्फ तीन पंक्तियों से दिव्यांशी के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो उसके दिल में था। उसने कहा, पहली मर्तबा जाना तो लगा बच्ची है, वो बात किया और पहचाना तो समझा सच्ची है, नखरे और गुस्से की महारानी है मगर अच्छी है। हर्षित ने झट से बोला, बेटा तू तो गया, तुझे मोहब्बत ने अपने जाल में फंसा लिया है। इतने प्रत्युष ने कहा, यार पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हाँ सच कहूं तो मुझे कुछ इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। क्या दिव्यांशी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती होगी जैसा मैं सोचता हूं? क्या वो मुझ पर भरोसा कर पाएगी, क्योंकि वो अक्सर कहती है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी वगैरह 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 वगैरह। मुझे नहीं लगता कि दिव्यांशी की मोहब्बत पाने की कोई गुंजाइश है। आपको बताएं, मजे की बात तो यह है कि दिव्यांशी धीरे धीरे प्रत्युष की उस चाहत को समझने लगी थी जो मैसेज और फोन बयां कर रहे थे। दिव्यांशी भी इस इंतजार में थी कि प्रत्युष कब उसे साफ साफ कहे, यार उसे इंतजार था, साफ साफ बता दे। लेकिन कहीं ना कहीं दिव्यांशी को भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं ये सब फिजूल सोच रही हूं या फिर सचमुच प्रत्युष के दिमाग और दिल में कुछ चल रहा है। इसी असमंजस में दोनों की मोहब्बत अधूरी रह जाती है। दोनों ने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं कहा और फिर एक दिन दोनों की अलग अलग शादी हो जाती। प्रत्युष जैसी मोहब्बत करने वालों के लिए एक सलाह है, मेरी सलाह, यार अगर प्यार है या फिर कुछ भी सोचते हो उसके बारे में तो सामने बोल देना। अधिक से अधिक क्या होगा ना बोलने की, कम से कम हाँ बोलने की गुंजाइश तो रहेगी। मोहब्बत होगी तो कम से कम इजहार होगा, तभी तो इकरार होगा। इस इजहार और इकरार के प्रपंच में फंस कर मत रह जाइएगा। मन में कुछ है तो सामने रख दीजिए, वरना कहीं आप भी अगले प्रत्युष न बन जाए और आपकी दिव्यांशी आपसे बिछड़ गई।